गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल भाई। क्लास बिल्कुल 7 बजे ही हमने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। तो अब अपनी क्लास हो गई है स्टार्ट। तो कैसे हो सभी प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल एकदम मस्त होंगे, मजे में। भाई जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके 25 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में प्यारे बच्चों, और 25 क्वेश्चन में से जानेंगे आज पहले नंबर पे कौन आएगा। आज देखते हैं भाई फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा। बहुत अच्छे भाई, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल। मीनाक्षी डवास, ज्योति, अमित कुमार, तनु गहलोत, गुड इवनिंग ऑल भाई, गुड इवनिंग। मोहित गौतम, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राम राम भाई, पंकज बादशाह, राम राम। हर्ष क्रब, राम राम भाई। सुमन, मंजीत, हर्ष, कप्तान, हंसिका, सबको नमस्कार। राम, चलिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये है आपका सैटरडे वाला, जो कि आपका सेकेंड वाला प्रैक्टिस सेट है। कल आपका संडे वाला प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो सेम ऐसे ही 7 बजे होगा प्यारे दोस्तों। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है ये, आज का पहला क्वेश्चन है ये कि सर पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया। एकदम पढ़ते जाइए पहले वाले क्वेश्चन को और देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, बताइए आपका क्या आंसर होगा। फिर देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर यहाँ पे आता है पहले। पर जल्दी से आप सब जुड़ते जाइए, देखते जाइए क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, बताइए भाई पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। हाँ टिंकू बढ़िया है भाई, पंकज बदमाश, स्वीटी सैन, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बोला गया है पहले आपकी स्टेटमेंट है यानी कि कथन है, उसमें बोला गया है शुड कॉलेज बी फ्री, क्या कॉलेज में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए, कि जो भी हम पढ़ते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। फिर एक आर्ग्यूमेंट आपको किया जाता है यानी कि तर्क किया जाता है, आर्ग्यूमेंट को हिंदी में बोला जाता है तर्क, दैट यस इट क्रिएट्स अ मोर वेल एजुकेटेड वर्क फोर्स एंड अ पॉपुलेशन दैट हैज बेटर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। कि पहले वाला आपको ये कहता है हाँ यह अधिक सूचित कार्यबल और एक ऐसी जनसंख्या तैयार करता है जिसके पास बेहतर महत्वपूर्ण चिंतन कुशलता है। हाँ जी भाई ये बिल्कुल सही कहता है कि यहाँ पे अगर निःशुल्क हो जाएंगे तो काफी बच्चे पढ़ भी पाएंगे, अच्छे से कार्य भी कर पाएंगे। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला है आपका वो तो फॉलो करता है, फर्स्ट वाला जो है प्यारे बच्चों फर्स्ट वाला तो फॉलो करता है। हाँ जी फर्स्ट वाला तो है ठीक। सेकंड वाले में लिखा है नो इट विल इंक्रीज द रेस, इट विल इंक्रीज द रेस अमंग द रिच पीपल, नहीं यह अमीर लोगों के बीच होड़ वृद्धि होगा। भाई यहाँ पे अमीर से क्या लेना देना, जब निःशुल्क होगा तो वहां अमीर का कोई लेना देना ही नहीं है, तो सेकंड वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, यानी कि सेकंड तो रॉन्ग हो गया सीधा सीधा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए आंसर होगा इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, केवल पहला ही आर्ग्यूमेंट आपका तर्क जो है वो प्रबल है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है हमें उसके बारे में बताना है स्ट्रॉन्ग जो है आपका। तो प्यारे बच्चों इस वाले का आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा बिल्कुल। तो चलते हैं अगले पे। गुड इवनिंग कुसुम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर। कप्तान का ए आंसर है, पंकज बादशाह का ए आंसर था, हर्ष खरब का ए आंसर था, तनु गहलोत का ए आंसर, ज्योति राठी का ए आंसर है, मंजीत डागर का ए आंसर है, अंशिका वर्मा का भी ए आंसर है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिरर इमेज क्या होगी, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, डी। तो आप चेक कर लिए डी कहाँ लिखा गया, डी यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को आप चेक करो, इसमें जो ए लिखा हुआ है, इस ए को कैसे लिखा हुआ है, ए की तो इसने वोटर इमेज बना दी, ए को तो प्यारे बच्चों इसने वोटर इमेज बना दिया, तो ए ऐसे कभी आएगा नहीं। ऑप्शन ए बच रहा है अकेला, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो यही होगा, बिल्कुल सही है। कप्तान सिंह का आंसर आया, मीनाक्षी डवास, ज्योति राठी, तनु गहलोत, हर्ष करब, कुसुम, हंसिका वर्मा, पंकज बादशाह। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर आया आप सबके, मजा आ गया भाई। सेशन को शेयर जरूर कर दो,
जिन बच्चों ने आज शेयर नहीं किया है तो भाई शेयर जरूर कर दो। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर देना कि हाँ आज तो था कुछ मजेदार। तो देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर किसका पहले आता है। बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप सब। इसमें क्या लिखा गया है, इंटरफेस लिखा गया है। इंटरफेस को कैसे लिख रहा है, इसने लिखा है इंटर फेरेंस, इंटरफेरेंस लिखा गया है प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस लिखा गया है। तो इसने क्या किया है, ये जो फर्स्ट के तीन थे, ये जो तीन है आपके, इनको रिवर्स में लिख दिया गया, यानी कि टी एन आई ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या लिख रहा है, एफ ई आर, ये रहा एफ ई आर, तो यहां पे इसने लिख दिया एफ आर, एफ ई आर, एफ ई आर लिख रहा है यहाँ पे। पहले क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, एफ लिख रहा है, ठीक है। पहले क्या लिख रहा है, पहले लिख रहा है ये एफ, उसके बाद में लिख रहा है ई, उसके बाद में क्या लिख रहा है आर, इसके बाद क्या लिख रहा है, इसके बाद लिख रहा है डबल ई। तो भाई डबल ई, डबल ई आपका आ रहा है यहां से, उसके बाद में आर ई एन, आर ई सी एन, ठीक है भाई, आर ई सी एन, यानी कि ये वाला पेर यहाँ पे उठा रहा है। तो इस तरीके से आगे सोल्व करे जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ओसिलेशन वाले को सोल्व करना है प्यारे बच्चों। देखते हैं आपका क्या आंसर आएगा। हाँ बच्चे थोड़ा लेट हो गए आप, लेट नहीं होना चाहिए ना। तो बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर जानते हैं, फिर देखते हैं किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। बताइए भाई इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रही है, किस तरीके से सोल्व हो रहा है, वही चीजें हम सारी जानेंगे यहाँ पे। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। हंसिका वर्मा का आंसर आया है डी, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, आपका आंसर बिल्कुल लाजवाब एकदम मस्त आंसर है, मजा आ गया। कि सर कैसे आया, देख लेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, ये जो लास्ट का पेयर है प्यारे बच्चों, लास्ट के पेयर को आप देख लीजिए, लास्ट वाले को कैसे लिखा गया है, लास्ट को टोटली रिवर्स लिखा गया है, कि जो एन सी ई है उसको लिखा गया है ई सी एन, और जो आपके फर्स्ट के थर्ड लेटर हैं, तीन लेटर हैं, उनको रिवर्स किया गया है। ऐसा ही इसमें कर लो, इसमें क्या कर, सी एस ओ लिखना है, स्टार्टिंग में होना चाहिए सी एस ओ सब में है, लास्ट में और चेक कर लो लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए आपका एस एन ओ, ठीक है भाई। एस एन ओ किस किस में गिवन है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए और ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी बनता है, ये दोनों तो हुए गलत। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि कहाँ पे आपका करेक्शन हो रही है, कहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो ए तक तो बिल्कुल सेम है, ए है, टी है, एस है, एन है, ओ है, यहाँ पे सी है, एस है, ओ है, उसके बाद में एल है, उसके बाद में आई है। तो बस ये चेक करना है कि आई एल आएगा या एल आई आएगा, ये आपको चेक करना है, बस इतना सा आपको चेक करना है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए कितने नंबर पे, ये एक दो तीन चार पांच छह सात वाले जो है वो कहाँ पे बनेंगे आपके, ये वाला छह नंबर और ये वाला सातवां नंबर यहाँ पे है। सेम ऐसे ही तीन और तीन छठा और सातवां, यहाँ पे जो लेटर आया हुआ है प्यारे बच्चों, इसको चेक करना है कि ये आर ई कौन सा उठा रखा है इसने, आर ई जो लास्ट से ये दो पेयर है ना आपके, ये वाला इसने आर ई यहाँ से ले रखा है, ठीक है। तो यहां से अगर आर ई ये वाला ले रहा है तो आई टी होना चाहिए, फिर तो आई टी होना चाहिए, कहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है पता नहीं। इसने लिया है एल आई, इसने क्या लिया है एल आई, तो एक आर ई स्टार्टिंग में भी है, एक आर ई जो है वो स्टार्टिंग पे भी है, यहाँ पे ये रहा आपका आर ई, तो वही आर ई इसने ऐसे लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसने ये जो है इस वाला लिया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर इसने क्या लिखा है, एल आई लिखा है, उसके बाद में लिखा है एल आई, तो एल आई किसको फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, सही आंसर आया सबका, बिल्कुल सेम आंसर, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम मजेदार आंसर आया था। हंसिका वर्मा, कुसुम, मीनाक्षी डवास, हर्ष करब, पंकज बादशाह, मंजीत डागर, तनु गहलोत, कप्तान सिंह, अमित कुमार, ज्योति राठी, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आप सबका मस्त आंसर आया, मजा आ गया भाई। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये है 1733 भाई, आगे कब रिपीट होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
वैसे तो लिखा है वर्ष के समान था, तो था वाला तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं दे रखा है, सब फ्यूचर का लिख रखा है प्यारे बच्चों, तो है आना चाहिए यहाँ पे। हम देखेंगे इससे पिछले वाला साल क्या है, वो है आपका लीप ईयर। अगर ये अधिवर्ष है यानी कि 1732 है वो अधिवर्ष है, तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 प्लस कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 1739 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी चीजें बच्चे मैं वही करा रहा हूँ आज के सेशन में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, यानी कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये सारी चीजें पहले डाली हुई है। चेक करिए एक्सपेरिमेंट में क्या काम हो रहा है। बिल्कुल सही आंसर आया भाई, बहुत अच्छे। भावना, हर्ष करब, हंसिका वर्मा, कप्तान, मीनाक्षी, पंकज, हंसिका, तनु, ज्योति, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। चेक करिए अब क्या बता रहा है ये। अब बोल रहा है स्टार्टिंग के पहले इसने दो हटा दिए, पहले इसने दो हटाए और लास्ट के दो हटा दिए, इस वाले में दो हटा रहा है। उसके बाद कहां से कर रहा है, इसमें इसने ई हटाया और टी हटा दिया, ठीक है, यानी कि एक फर्स्ट का लेटर और एक लास्ट का लेटर इसने हटा दिया। अब इसमें क्या कर रहा है, ERIM, तो भाई ERIM जो बनता है वो आपका यहाँ पे है ERIM, ये यानी कि अब इसने कितने लेटर हटाए प्यारे बच्चों, अब इसने तीन हटाए, तो सीधी सी बात है दो के बाद क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, तो इस वाले में हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसे सोल्व कर सकते हैं, वैसे भी अपना सोल्व हो जाना है। तो अब यहाँ पे वो कितने लेटर हटा रहा है उन चीजों को हम चेक कर लेंगे। इसी तरीके से अपना जो है ऑप्शन ऐसे ही चेक होना है कि पहले उसने दो लेटर हटाए आगे से और पीछे से, फिर उसने कितने हटा रहे हैं भाई, एक लेटर हटा रहा है यानी कि आगे से और पीछे से, बाकी सब सेम लिखा हुआ है। फिर ये कितने हटा रहा है प्यारे बच्चों, फिर ये तीन हटा रहा है। तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद आपका दो भी हो सकता है ना, अगर एक के अकॉर्डिंग चले तो दो हो सकता है आपका, ऐसे भी सोल्व कर सकता है। अगर दो हम हटाते हैं तो फिर आपका क्या बनता है, ये वाला बनता है आपका, आपका वापिस से क्या बनता है, ये बनता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर किसमें है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, आप सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। भावना का आंसर सी है, फिर कुसुम का, फिर पंकज का, तनु, मीनाक्षी, कप्तान, हर्ष, सुमन, हंसिका, प्रिया अलावत, बहुत अच्छे, अमित कुमार, मंजीत डागर, लो भाई मजा आ गया, शानदार एकदम, बहुत बढ़िया। तो बताइए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, ज्योति राठी का आंसर भी सी है, बहुत बढ़िया। देखते हैं सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर किस बच्चे का पहले आएगा। क्या बोला जा रहा है, आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर अ बॉय टर्न राइट, ठीक है भाई, इसने स्टार्टिंग में कोई डायरेक्शन दी नहीं है, कोई स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी तो कोई नहीं, यही हमें बताना होगा। उसके बाद देख लो ये बॉय जो है कब मुड़ रहा है, राइट साइड मुड़ रहा है, एक बारी राइट मुड़ रहा है, उसके बाद में फिर एक और राइट मुड़ता है, ठीक है भाई, एक और राइट मुड़ गया, वो जितना किलोमीटर चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में है वो, लास्ट में वो उत्तर दिशा में प्यारे बच्चों। तो दो बार राइट मुड़े या दो बार लेफ्ट मुड़े, यानी कि क्या करना है आपको, अपोजिट यानी कि विपरीत, नॉर्थ का विपरीत चले जाओ, साउथ आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल मैंने लेटेस्ट पढ़ाया हुआ है आप सबको। तो सिक्स वाले का आंसर क्या होगा, आपका सी आंसर होगा, मंजीत डागर, भावना, हर्ष करब, सी आंसर है, बहुत अच्छे भाई, मजा आ गया एकदम, बहुत बढ़िया। भावना आपका आंसर गलत हो गया है, एक आंसर गलत हुआ, हंसिका वर्मा का आंसर गलत हुआ, सिक्स क्वेश्चन का आंसर ईस्ट नहीं होगा, बाकी बच्चों का सही है, हर्ष करब, पंकज, मंजीत, बहुत बढ़िया भाई, कप्तान, मीनाक्षी डबास, ज्योति राठी, इन सब का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, मजा आ गया भाई। चलिए बताइए सेवंथ नंबर क्वेश्चन का आपका क्या आंसर होगा, सातवें क्वेश्चन को जान लेते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया है FOAM, भाई F में कितना जोड़ रहा है, दो, F में दो जोड़ेगा तो 8 हो गया, 15 में दो जोड़ा तो कितना हो गया, ये सबसे पहले यहीं पे चेक कर लो आप कि दो जोड़ रहा है कितना हो रहा है, सी हो रहा है, इसमें दो जोड़ा है 13 में दो जोड़ा तो 15, तो वी में जब आप दो जोड़ोगे तो 22 और दो होता है प्यारे बच्चों 24, 15 में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, उसके बाद में इसमें दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, भाई मिल गया है आंसर, XQV केवल किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, लास्ट में ई में आप दो और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जी आंसर हो जाएगा। सातवें का आंसर क्या है आपका, सी आंसर है, बहुत जल्दी आंसर आया भाई सातवें का। तनु गहलोत का आंसर है,
उसके बाद में कुसुम, भावना, कप्तान, मीनाक्षी, प्रिया अलावत, बहुत बढ़िया लड़ो, पंकज बादशाह, हर्ष करब, सुमन, हंसिका वर्मा, अमित कुमार, ज्योति राठी, मंजीत डागर, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब आंसर, मजा आ गया। तो अगला क्वेश्चन फिर से एकदम स्टेटमेंट से आ रहा है, तो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे होती रहेगी प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाले हैं। अब आप इसको एक बारी पढ़ो, इसमें तर्क संग लिखा गया है, वो सब आप पढ़ के देखो क्या कुछ आपको यहाँ अलग नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। अमित कुमार का आंसर सीधा भाई सिक्स वाले का, ठीक है। मंजीत भाई, ज्योति, हंसिका वर्मा, सुमन, बहुत बच्चे बट्टे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कथन क्या बोला जा रहा है, एबीसी कंपनी में वर्तमान में रिक्त पदों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो पहला कंक्लूजन आपको ये बोला गया है कि बानू जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर है उसके पास तो कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो वो एबीसी कंपनी में पद आवेदन कर सकता है भाई, नहीं कर सकता है, वो पद आवेदन नहीं कर सकता है, किसी हालत में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी में डिप्लोमा जो मांगा है वो क्या मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा मांगा है, उसके पास जो है कंप्यूटर का है। पहले वाला तो हुआ गलत, अब आप पूरे को चेक कर लो पहले वाला कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। उसके बाद में आइदर का मतलब क्या है, एक सही हो जाए, तो भाई एक सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई आपको ये कहता है कि एक और दो दोनों ही सही हो जाए, पहले वाला तो सही है ही नहीं। दो ऑप्शन आपके सामने बचेंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों को आपको चेक करना होगा। तो दूसरे ऑप्शन में लिखा है एबीसी एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी इज अ कंपनी दैट रिक्रूट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन अबंडेंस, ठीक है। तो ऐसा लिखा गया है कि एबीसी एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को बहुतायत में भर्ती कराती है। बहुतायत का और इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, वो आपसे ये कहना चाहता है कि ये भरपूर मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की भर्ती कराता है भाई। जरूरी नहीं है यहाँ पे ये बहुत मात्रा में कराता हो, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन अपने पास है नहीं। नहीं कह सकते कि ये एबीसी कंपनी जो है केवल इसी के ही यहाँ पे फॉर्म भरवाता हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के ही भराता हो। ये तो सीधा फिर ऐसे भी लिख सकता था कि एबीसी कंपनी जो है वर्तमान में रिक्त पद निकालने वाली है, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ना लिखता, साइड में लिख देता कि ये कंपनी केवल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए है, तब जाकर के कहीं ये सेकंड ऑप्शन सही हो सकता था। तो प्यारे बच्चों ये सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन भी गलत हुआ, क्योंकि ये कहता है कि आपका जो सेकंड वाला है वो तर्क बिल्कुल प्रबल नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, इसमें ऐसी कोई बात उसने बताई नहीं। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका ऑप्शन एक ही बनता है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एट का आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। पर कुछ तो करता है जब फिल है जॉब तो, लेकिन बच्चे इसका एग्जामिनर ने ही आंसर दे रखा है डी। क्वेश्चन है यूपीएसआई 2 तारीख का पेपर है ये, उसमें गिवन है ये सारा का सारा खेल। तो उसने बस ऐसा ही डिफाइन कर रखा है, यही बोल रखा है कि एबीसी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को बहुत आय में भर्ती करती है। इस टाइप के क्वेश्चन किस में आते हैं, यूपीएसआई में आते हैं भाई, यूपी पुलिस में ही आते हैं ज्यादातर ये क्वेश्चन, ये तर्क संघ वाले आप जो हैं। अश्वनी से नमस्कार भाई, नमस्कार, हाँ जी डी आंसर होगा। अब आंसर काट करके ज्योति राठी ने डी आंसर डाल दिया, चलो कोई नहीं। आठवें क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक नहीं आया है किसी भी बच्चे का, तो उसको हटा देंगे, साइड ये कर देंगे, फिर 24 नंबर में से देखेंगे किस किस के आंसर आते हैं। अब सब खुश हो रहे हैं सर, नौवे का डी आ गया, मैसेज ऊपर काट देते हैं। ये भी सही है। तो बताइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करिए। प्रिया अलावत, यूपी पुलिस, हाँ बाण बिल्कुल यूपी पुलिस, भी आपके घर वाला तो जानते होंगे बिल्कुल। वो तो है ही पहले यूपी पुलिस में, वो जरूर बता सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार, हटा दिया पहले ही, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा आपका, उसको चेक करिए, ठीक है। देखो सबके लास्ट में क्या है, इक्वल टू है भाई, सबके लास्ट में क्या लिखा गया है, इक्वल टू लिखा गया है, यानी कि बराबर जो है 4 के होना चाहिए, इतनी कम संख्या होनी चाहिए, 4 पे आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं 70 को 6 से भाग करता हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा, डिवाइड का वैसे भी कहीं पे गिवन नहीं है। अगर ये बोलता है 70 में 6 जोड़ दें हम तो कितना हो गया 76,
और अगर मैं 70 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन कुछ ज्यादा ही चले जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई तो किसी हालत में नहीं कर सकते, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में चेक करना होगा क्या बनेगा। अब प्लस करते हैं तो 76 है, 76 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं कि 70 में से माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई होगा, तो 11 छह क्या होगा 66 होगा, 66 70 में से आप ये घटा दीजिए कितना आया 4, हां जी भाई बिल्कुल इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। आप सबका आंसर क्या आया, तनु गहलोत का सी आंसर है, अंशिका वर्मा का सी आंसर है, हर्ष करब, पंकज बादशाह, मीनाक्षी डवास, कप्तान सिंह, भावना हंस रहे हैं अमित कुमार का आंसर सी है, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर आया आप सबका। तो बताइए अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तब तक मैं सोल ही नहीं करा रहा हूं, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, बताइए 10th नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप सबका, 10वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, रुक जा तो बताइए भाई इसमें क्या आंसर होगा, पुट करिए एक एक चीजें। अगर मान लीजिए पहला ही ऑप्शन पुट करते हैं तो 12 निम्न 108 होता है, अगर ये आपका पूरा फॉर्मेशन क्या है वो वही है, 12 है 108 है, फिर कितना है 6 है, उसके बाद कितना है प्यारे बच्चों, भाई फोन ना करो बीच में, लाइव क्लास चल रही है, कॉल पिक नहीं कर सकते हम, बस इतना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड रखते हैं तो 12 निम्न 108 होता है, ये 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे प्लस हो ये मल्टीप्लाई हो और ये माइनस हो, तो 4 अट्ठे कितना होता है 32 होता है, 32 में से 2 गया तो 30 हो गया, लेकिन 9 और 6 जो है 32 के बराबर नहीं होता है, तो 30 के बराबर नहीं होता है, ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। देखते हैं आंसर किसका आ गया, आंसर आ चुका है, भावना का आंसर डी है, हर्ष करब का, मंजी डागर, हंसिका वर्मा, तनु गहलोत, मीनाक्षी डबास, प्रिया अलावत, कप्तान, पंकज बादशाह, अमित कुमार, बहुत अच्छे, सबका आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, डी आंसर आ रहा है, ठीक है भाई डी ही आंसर रखेंगे, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है और यहाँ पे भाग का निशान होना चाहिए, बाद में मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए। तो 4 अटे 32, 32 में से 2 गया तो कितना आएगा 30 आएगा। अब यहाँ पे 6 से इसको भाग कर लीजिए कितना होगा, कि ये कितने पे जाएगा वो चेक कर लो बस, कि कितने पे जा रहा है भाई, 6 एक 6 अट्ठे, तो यहाँ पे कितना 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, ये तो 8 है, ठीक है भाई 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, मजा आ गया। अब आ गया है आपका स्लोलिज्म का क्वेश्चन, न्याय निगमन का क्वेश्चन आ गया है, देखिए 11वें और 12वें क्वेश्चन का आपका क्या आंसर बनने वाला है। अब तक सबका आंसर बिल्कुल सही था, अमित कुमार, पंकज बादशाह, कप्तान, प्रिया, मीनाक्षी, तनु गहलोत, हंसिका वर्मा, मंजीत, हर्ष, बहुत बढ़िया भाई, भावना, ज्योति, एकदम लाजवाब आंसर आए आपके, बहुत बढ़िया। तो हम आधे पार्ट तक पहुंचने ही वाले हैं, 25 क्वेश्चन है आज की क्लास में आप सबके, तो बताइए 11वें क्वेश्चन का आपका क्या आंसर होगा, देख लेते हैं कैसे सोल्व होना है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, पहले वाले में क्या लिखा गया है, टेबल आर स्टूल, टेबल आर स्टूल, तो प्यारे बच्चों टेबल इसमें है, स्टूल इसमें है, और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का केवल आंसर नेगेटिव में होना चाहिए, नकारात्मक में होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। ऑप्शन को चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन बोलता है कि नो टेबल इज स्टूल, ठीक है भाई टेबल कितने पे है, 100 नंबर है टेबल के और स्टूल के भी 100 नंबर है, दोनों जगह एकदम सही मार्क्स ले रहा है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो देख लो कौन से वाले में ऑप्शन लिखा है केवल सेकंड सही है, वो ऑप्शन नंबर बी है। तो 11वें का आंसर क्या होगा, 11वें का आंसर होगा आपका बी। तो देख लेते हैं 11वें का आंसर किसका आएगा, 21वें का बी, भावना ने गलती से टाइप हो गया लेकिन मैं समझ गया उनका 11वें का बी आंसर है। राधे राधे ठाकुर भाई, राधे राधे, बिल्कुल आधे में पहुंच रहे हो, ये तो गलत बात है, हाँ जी बी आंसर सबका सही आ रहा है। अगले को और चेक कर लीजिए क्या बोला जा रहा है, तो ये सम है और फिर यहाँ पे है, सर्टेन अनसर्टेन चेक करना है बस अपने को,
ये 50 है टीचर, ये वाला टीचर 100 है, केस क्या है? सर्टेन है। यहाँ पे लेक्चरर 50 है, ये 50 है, केस क्या है? अनिश्चित है, अनसर्टेन है, ठीक है। यानी कि टीचर और प्रोफेशन तो कहीं नहीं दिखाई देना चाहिए, ये वाला टीचर और ये प्रोफेशनल कहीं दिखना नहीं चाहिए, प्रोफेशनल और टीचर नहीं दिखना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड तो हो गया गलत, फर्स्ट को चेक कर लेते हैं। सम स्टूडेंट आर लेक्चरर, सम स्टूडेंट्स आर लेक्चरर। अगर आपका केस सर्टेन होगा प्यारे बच्चों, निश्चित केस अगर आपका होगा और वहां से आपका आंसर सम में बनता है, यानी कि किसका है? पॉजिटिव का, और सम में आंसर बनता है यानी कि कुछ में आपका आंसर बनता है, तो यहाँ पे अपने को चेक नहीं करना होता है, वो डायरेक्ट ही सही होगा। तो केवल यहाँ पे कौन सा सही है भाई? पहले वाला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करता है। तो बारहवें का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने पढ़ाई हुई है यहाँ पे, तो आप वहां पे जाकर के समझ सकते हो प्यारे बच्चों। हाँ जी, बारहवें का आंसर जो होगा ए होगा। कप्तान सिंह आपका गलत हो गया है, पंकज भाई आपका आंसर भी गलत हो गया है, पंकज बादशाह बी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा। क्योंकि बी का मतलब होता है कि केवल दो अनुसरण करता है, यहाँ पे तो केवल एक ही अनुसरण कर रहा था। समझ रहे हैं सभी के सभी? इस वाले में ये लिखा गया है कि जो ये लिखा है एस आर ई डी ओ टी वाई, इसका सबसे पहले तो एक वर्ड फुल मीनिंग बनाइए और फिर देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से कौन सी चीज आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि उस जैसा ही है। कहने का मतलब है सिनोनिम आपको बताना है, उसका सिनोनिम आपको बताना है, वो बताइए क्या बनेगा। तो इसका एक वर्ड बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, हेल्प हो जाएगी। तो वो बनेगा प्यारे बच्चों डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय आपका बनेगा, डिस्ट्रॉय आपका बनता है, डिस्ट्रॉय यानी कि बिल्कुल तहस नहस कर देना, कि सर अगर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो तहस नहस कर देंगे। जैसे कि होता है ना कि अगर उसने चॉकलेट नहीं ली तो मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, तहस नहस कर दूंगा सब कुछ, तो वही है ये डिस्ट्रॉय की, तहस नहस कर देना। तो देख लो भाई तहस नहस करना, क्या ऑप्शन ये हो सकता है? इसने बोला है रीबिल्ड यानी कि दोबारा बनाना, भाई हमें बनाना थोड़ी ना है, हमें तहस नहस करना है, ये नहीं होगा। रिपेयर यानी दोबारा बनाना है, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। राइज का मतलब क्या है? बनना, भाई ये भी नहीं होगा। लास्ट में क्या बचेगा आपका? यही बचेगा। और प्यारे बच्चों यही इसी के सिमिलर है, यही इसके क्या है आपका? सिमिलर है। तो आपका आंसर क्या होगा? एकमात्र एक ही आंसर है, वो आंसर नंबर क्या है? बी है। हाँ जी भाई, तेरहवें का आंसर क्या है? बी है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर। कुसुम फर्स्ट ई बी। हंसिका वर्मा का आंसर सी आया, नहीं भाई गलत हो गया, सी तो रिपेयर बोल रहा है बच्चे, रिपेयर बोल रहे हैं यानी कि दोबारा से ठीक करना, डिस्ट्रॉय को ठीक नहीं कर सकते ना कि डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय का एक जैसा वर्ड तो है ही नहीं, वो डिस्ट्रॉय का तो है ही नहीं, रिपेयर करना है हमें। हाँ जी बिल्कुल सही था, बताइए 14 नंबर का क्या होगा? कि सर ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन मत दो, ये तो हम वैसे ही कर देंगे। एम कितने पे होता है? 13 पे होता है। एफ कितने पे होता है? 6 पे होता है। ओ कितने पे होता है? 15 पे होता है। ई कितने पे होता है? ई सर 5 पे होता है। तो 22 पे कौन होगा? बी होगा, बिल्कुल सही। आंसर नंबर क्या आ गया? डी आ गया। 14वें का आंसर क्या है? डी। सर ऐसा बच्चों वाला खेल मत दो, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। कि सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं इस वाले का क्या आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं। देखो अगर आपके यहां तक पूरा सेशन अच्छे से सही समझ आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो लाइक जरूर कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो भाई, एक लाइक तो कर ही दिया करो। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है कि नहीं? कल तो एक वेब सीरीज आ रही थी, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा था, मैं चलो वेब सीरीज देख लूं, लेकिन फिर ध्यान आया भाई वेब सीरीज पूरा टाइम खा जाएगी और बच्चों के लिए मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा, और फिर एक बार ये रिदिम जो चल रही है वो बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम सब नज़दीक है। आज CGL का मेंस का एग्जाम था प्यारे बच्चों, मैं नहीं चाहता था किसी का कोई नुकसान हो, हालांकि उसमें रीजनिंग आती नहीं है, है ना, उसमें मैथ और इंग्लिश आता है आपका। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। वी हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है भाई, वी जो है लेफ्ट पे बैठा है, एक ये लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है, इस तरीके से प्यारे बच्चों एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यहाँ पे वी पहले बैठा हुआ है, उसके बाद बोला गया है लेफ्ट,
moves 10 place to the right and reaches the extreme right. जो V है प्यारे बच्चों वो यहाँ बैठा हुआ था, इस लेफ्ट पे बैठा हुआ था, यहां से वो 10 कदम इस तरफ चले जाता है, कितना जाता है 10 जाता है, तो यहां से जाता है वो यहां तक और वो यहां पे जाता है 10 और सबसे लास्ट राइट हैंड पे वो जाकर के पहुंच जाता है। आपसे पूछा जाता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लो भाई आसान सी चीज है, लेफ्ट पे कौन है, वी है, उसके बाद कितने व्यक्ति हैं, उसके बाद 10 व्यक्ति हैं क्योंकि इसे 10 कदम आगे चलना है, यानी कि एक चलेगा, दो चलेगा, तीन चलेगा, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा 10 तक जाएगा। तो वी एक खुद वी है और 10 व्यक्ति उसके उस तरफ है, तो टोटल कितना हो गया है आपका, 11 आंसर हो गया, आंसर खत्म। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट करके भी आप यहाँ पे ऐसे सोल्व कर सकते हो कि भाई इस तरफ जा रहा है तो इस तरीके से भी आपका सोल्व हो जाना है। तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ जी, 15वें का डी आंसर है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, 15 का आंसर डी है बिल्कुल। सर क्वेश्चन को पढ़ना हिंदी में, वी जो सबसे भाई और है अच्छा वो भाई और आएगा बच्चे, वो भाई और आएगा, भाई लिखा था मैंने, पैदा स्थान दाएं और चला जाता है, दाएं छोर से आखिरी स्थान पर, ठीक है, वहाँ भाई लिखा है तो भाई होना चाहिए, वो थोड़ा सा फीलिंग आप समझ जाया करो इतना तो भाई समझ जाया करो, क्या करें, बड़े शहर में छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है यदि निम्न में से प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो मिडल डिजिट है आपकी उसके अंदर क्या कर दिया जाए, आपका एक जोड़ दिया जाए, ठीक है भाई एक जोड़ देते हैं, 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 2 में एक जोड़ेंगे 3, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो गया, जोड़ा जाता है और फिर अंकों को स्थिति का वही व्यक्तिक्रमित किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है उन सबको, फॉलोइंग द नंबर एंड देन द पोजीशन ऑफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, उनकी डिजिट जो है उनको रिवर्स्ड में लिखा जा रहा है, यानी कि घटते क्रम में रिवर्स्ड में लिखना है प्यारे बच्चों। Which of the following be the first digit of the middle number? First digit, जो पहले नंबर पे डिजिट आएगी उसका जो मिडल वाला नंबर होगा वो आपको बताना है, वो मिडल नंबर क्या होगा, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इसने क्या लिखा है, रिवर्स अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा और 5 आएगा, इसको रिवर्स करते हैं तो कितना आएगा, 3 3 9 आएगा, इसको रिवर्स कर दो, 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, अब इसको भी रिवर्स कर दीजिए आप, कितना आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा और कितना आएगा, 7 आएगा, इसको रिवर्स करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा और कितना आएगा, 3 आएगा। बस आपसे यही तो पूछा गया था कि रिवर्स करना है, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है रीअरेंज करना, रीअरेंज नहीं लिखा है प्यारे बच्चों, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, रीअरेंज आपको नहीं लिखा गया है। रीअरेंज का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं लिखा गया है इन सबको बढ़ते क्रम में लिखिए, इन सबको घटते क्रम में लिखिए, ऐसा नहीं बोला गया है, ऐसा कहीं पे नहीं बोला है कि सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपकी गिनतियों में सबसे पहले ये आता है, उसके बाद में आपका आएगा ये वाला, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता है जो पहली संख्या है, पहली संख्या थी आपकी ये वाली, वो आपका क्या है, ये इसमें आपका सबसे पहला अंक क्या है वो आपसे पूछ रहा है, रिवर्स करने के बाद फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ द मिडल नंबर, ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द मिडल नंबर, तो मिडल नंबर वाले की फर्स्ट डिजिट आपसे पूछी जा रही, तो मिडल नंबर क्या है, मिडल नंबर है ये, मिडल नंबर क्या है प्यारे बच्चों, मिडल नंबर है आपका ये, तो मिडल नंबर वाले का पहली डिजिट क्या है, वो है 4, मिडल डिजिट यानी कि जो मध्य में संख्या है उसकी पहली संख्या क्या है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, सी है कि सर बिल्कुल आसान है, सर 237 नहीं 247 होगा, 500, अच्छा हाँ ये 47 होगा, थैंक यू भाई, यहाँ होगा 547, बिल्कुल बहुत अच्छे। 17th क्वेश्चन को चेक करिए, 17वें क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वरों को निकाल दिया जाए, स्वर यानी कि वोवल को हटा ही दिया जाए, तो भाई भाई नहीं है, तो ये भाई नहीं है प्यारे बच्चों, ये है तो बाएं ओर से, तो है बाएं ओर से, ये बाएं ओर से भाई नहीं है, तो बाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है, बताइए भाई क्या होगा, बाएं ओर से 12, बाएं ओर से 12
और दाएं ओर से छठा यानी कि 12 और 6 जुड़ जाएगा, कितना होगा प्यारे बच्चों 18 होगा, कितना होगा 18। लेकिन वोवल आपको हटा देनी है, वोवल जो है वो हटा देनी है। टोटल वोवल कितनी होती है, 5 वोवल आपकी होती है, टोटल वोवल 5 होती है, यानी कि ए ई आई ओ और यू, ये आपकी 5 वोवल होती है प्यारे बच्चों। अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ 18 पे जाता हूं तो सिर्फ 18 पे क्या होता है आर, और आर से पहले क्या क्या वोवल आती हैं, आर से पहले आपकी ये वोवल आती हैं। तो भाई ये वोवल आती हैं, अगर मान लीजिए ये वोवल मान लीजिए मैं हटा देता हूं, ये वोवल अपनी हट गई है। अगर मान लीजिए मैंने 14 में से यहां पे 4 वोवल हटा दी है प्यारे बच्चों, तो यहां पे 18 में 4 माइनस मत कर देना, 18 में 4 प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, वो मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूं, जैसे लिखा हो ए बी सी डी ई और एफ, इस तरीके से है। अगर आपसे ऐसा बोला जाता है कि चौथे नंबर पे कौन है अगर अल्फाबेट को हटा दिया जाए तो भाई एफ कितने पे आया, 6 पे आया। इससे पहले कितनी वोवल आती हैं, 2 आती हैं। इससे पहले कितनी वोवल आ रही है प्यारे बच्चों, 2 वोवल आ रही है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि 4 नंबर पे बताना है, चौथे नंबर पे, तो 4 में 2 प्लस कर देंगे तो 6 पे पहुंच जाते हैं। यही काम ऐसा करना है, 18 में आप जोड़ दो 4, 18 में आप 4 जोड़ोगे 22, 22 पे क्या होता है वी। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, वी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वी से पहले एक और वोवल आती है, वी से पहले एक और वोवल आती है, वो क्या होती है प्यारे बच्चों, यू होती है। तो 22 नंबर पे, 22 नंबर पे वी नहीं होगा, 22 नंबर पे डब्लू होगा। आपका वी जो होगा वो 21 नंबर पे आपको नजर आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा डब्लू। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। जब आप पूरी अल्फाबेट लिखोगे ना, तब पूरी कोशिश करोगे और सबका आंसर वी आ रहा है और वी आंसर नहीं होगा। 17 का आंसर भावना का, पहले आंसर बच्चे 17 का ए ही आया था आपका, हर्ष कर्म का, कप्तान का, मीनाक्षी का, पंकज का, हंसिका वर्मा, तनु गहलोत, अमित, मंजीत, परु, हेलो डियर बहुत लेट आए, सबका आंसर गलत था। मुस्कान का आंसर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया, बहुत अच्छे भाई मुस्कान, सी आंसर आया आपका। अब सब सी आंसर दे रहे हैं, देखो ये आंसर तो मैं देख चुका हूं सबका, सबने ए आंसर दिया, ए आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलत है। सीधी सी बात है, आपको 18वें नंबर पे बताना है भाई, 18वें नंबर पे ही तो चेक करना था, 18 में कितना प्लस कर देंगे आप, 18 में 18 नंबर है, 5 ओवल यहां चले गए हैं, तो 18 में आप 5 जोड़ दीजिए, 18 और 5 कितना होगा 23, 23 पे क्या होगा डब्लू आपका आंसर। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना बताइए, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी सर हमें ध्यान नहीं दिया, पर बाद में ध्यान रखा। दोबारा बताओ सर, देखो बच्चे दोबारा बताता हूं, एक चीज का ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा ए बी सी, इनको बाद में लिखते हैं। अगर मान लीजिए बोला जा रहा है वोवल हटा दी गई है, वोवल हटा दी गई है, तो बताइए तीसरे नंबर पे क्या होगा, तो बताइए तीसरे नंबर पे क्या होगा, तो प्यारे बच्चों तीसरे पे क्या होता है सी होता है। सी से पहले एक वोवल आई, सी से पहले क्या आई आपकी एक वोवल आई, सी से पहले एक वोवल आई, तो आप 3 में 1 जोड़ दोगे, आंसर क्या आ गया भाई डी आंसर आ गया। समझते जाना आप, धीरे धीरे समझते जाना सारी चीजें। आपसे बोला जाए बताइए चौथे नंबर पे क्या होगा अगर वोवल हटा दी जाए तो प्यारे बच्चों चौथे नंबर पे कौन होता है डी होता है, और डी से पहले कितनी वोवल आई, केवल ए वोवल आई, एक वोवल आई तो 1 प्लस कर दिया गया, आंसर क्या आ गया 5, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका ई आ गया, आंसर क्या आया ई आया। लेकिन ई आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि सर ई तो एक वोवल है, ई क्या है सर ई तो एक वोवल है, तो प्यारे बच्चों ई आंसर नहीं होगा, इसे अगला नंबर क्या है आपका एफ है। हमें क्या बताना था चौथे नंबर पे कौन है, तो चौथे नंबर पे कौन होगा एफ, आप लिख करके देख लीजिए ए बी सी डी ई और फिर एफ है, तो वोवल हटा दी, ए हटा दिया गया, ई हटा दिया गया, देख लो 1, 2, 3 और 4 चौथे नंबर पे कौन है एफ है, ऐसे आपका आंसर आया है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में आंसर आया आपका। आप स्किप करके देख सकते हो वीडियो को कि यहाँ पे यही काम था कि हम 18 में 4 प्लस करेंगे, 4 क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 18 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, 18 पे होता है आपका आर भाई, 18 पे क्या होता है आर होता है, और आर से पहले कितने वोवल आए, आर से वोवल आया ए ई
आई और ओ, ये चार ही वोवल आए आपके इससे पहले। मैंने 18 में चार जोड़ दिया, कितने पे पहुंच गए? 22 पे, और 22 पे क्या होता है? वी। लेकिन वी से पहले एक और वोवल आया, वो कौन है? यू है। तो एक वोवल आ चुका है, तो इस वजह से एक और जोड़ेंगे, तब आपका आंसर क्या आएगा? डब्ल्यू, यानी कि आपका आंसर। तो बताइए 18वें क्वेश्चन का आपका क्या आंसर होगा? 18वें क्वेश्चन को जानते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या आंसर होगा? फिर देखते हैं यहाँ पे किस बच्चे का एकदम सटीक आंसर होगा, यहाँ पे कौन आएगा? बर्थडे पार्टी। अच्छा, बीच में बातें भी चल गई। अच्छा, शिवानी शर्मा आ गई, परू की दोस्त आ गई। भाई लोग, आज फ्रेंड का बर्थडे था सर, तो पार्टी से आई हूँ इसलिए लेट हो गई। कोई नहीं, पार्टी भी जरूरी है, कोई ना, आप बाद में कर लिया करो सोल्व, लेकिन ईमानदारी से सोल्व करना, बाद में भी करना हो तो। सही कहा भावना, कोई बात नहीं, सबका ही गया गलत। सबका ही गलत गया, सब अपने नंबर चेक कर लेना। यहाँ पे सर चैट पे 18 है और लाइक सिर्फ 13 है। भाई वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ चैट पे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं, केवल चैटिंग करने वाले की सर इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। तो मैं यही बोलता, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करो। मेरे ख्याल से सेशन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लाइक नहीं कर रहे हैं भाई। केवल 13 बच्चों ने लाइक किया है, बाकी ने तो लाइक ही नहीं किया है। नहीं, ये क्वेश्चन में है, उसको नहीं जोड़ने का है अपने को। तो बताइए यहाँ पे क्या है? तो देखो m प्लस एन लिखा गया है, m प्लस एन यानी कि m n का पिता है। m जो है वो पिता है, किसका पिता है? n का पिता है। n माइनस क्यू, n माइनस ओ, n माइनस माइनस का मतलब क्या होता है कि n o की माँ है। n जो है किसकी माँ है? o की माँ है, ठीक है भाई। o q की बहन है, ओ बहन है किसकी बहन है? क्यू की बहन है। क्या पूछा जा रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है? ये जो एम है ये इस ओ का क्या लगता है, सॉरी एम जो है इस ओ का क्या लगता है, क्यू का या ओ का? बात एक ही है। तो भाई सीधी सी बात है, अपनी माँ का यानी कि माँ है, माँ का जो पिता होगा वो क्या लगेगा? नाना ही लगेगा। माँ का पिता क्या लगेगा? नाना लगेगा। माँ का पिता क्या लगेगा प्यारे बच्चों? नाना लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? नाना का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। 18वें का बी आंसर ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारी तो साइन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, साइन नहीं मिल रहा। बच्चे साइन मिलेगा, यहाँ पे क्या ना ए बी सी डी में फॉर्मेशन दी होती है, उसके बाद में पी क्यू आर एस में गिवन रहता है, उस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो एक बारी 19वें क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करो, उसमें आपका क्या आंसर आएगा। तो देखिए भाई सीरीज देखते हैं किस बच्चे का एकदम सटीक आंसर आएगा, पहले आंसर किसका आता है देखते हैं। तब तक वीडियो को लाइक तो कर दो, हैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई आपके लिए, तो कर रहा हूँ। खुशखबरी यही है, जिन बच्चों की ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 1 फरवरी से हर जगह खुल रहे हैं भाई, हरियाणा में तो खुल ही रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए भी धीरे धीरे खुलेंगे, यूपी पुलिस के, यूपी वालों के तो तकरीबन खुले हुए हैं प्यारे बच्चों, आपके तो कोचिंग चल ही रही है, एक आध सेंटर बंद है वो खुल जाएंगे। परू का आंसर आया बी। लो सर पार्टी से आ रहा है अपुन, चीयर्स करने का है क्या? तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है कैसे चेक कर रहे हैं देख लेते हैं कि यहाँ 577 है, उसके बाद में कितना है 519 है, फिर 440 है, फिर कितना है 358 है, उसके बाद में कितना है 255 है। तो प्यारे बच्चों कोई सॉल्यूशन अगर ना मिले तो लास्ट फाइनल एक ही होता है डिफरेंस, इनका अंतर आप निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर क्या होगा आपका 17, 9, उसके बाद में 77 है तो इसको 20 मानेंगे, 20 से 70 जाएंगे तो 5, 7 ये और एक ये 8 हो गया, यानी कितना हो गया 58। अब इसको चेक कर लीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इसको 50 मानते हैं, 50 और ये 2 कितना हो गया 70, 70 का मतलब क्या है 1 यहाँ से किया है क्या 70 और 3 कितना हो गया 73, बिल्कुल। अब इन दोनों का डिफरेंस इसको 60 मानेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो इसका मतलब क्या 5 और 4, 9, 9 में से 4 ये कम कर देंगे, 4 नहीं 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88, इसका डिफरेंस कितना है 88। अब इन दोनों का देख लो, ये तो कितना है 100 और 3 कितना हो गया 103। यहां से कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना एक और डिफरेंस करके देख लो कि भाई 58 का और 73 का डिफरेंस कितना होता है, ये तो 15 होता है,
तो पांच ये भी बिल्कुल 15 ही होता है, ये कितना होता है, ये भी 15 ही होता है। तो आप क्या करोगे, 15 जोड़ोगे, किसमें 15 जोड़ोगे, 103 में आप 15 जोड़ दीजिए, सीधा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आएगा, एक आएगा, पांच तीन कितना होता है 8। अब आप क्या करना, 255 में 118 आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 8 और 5 कितना होता है 13। तीन लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए भाई, 8 और 5 तो 13 होता है, कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या। आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। हाँ आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है प्यारे बच्चों, आंसर तो सही आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे कुछ कंडीशन क्या चल रही है, प्लस की चल रही है, ये प्लस करना है, माइनस करना है, सॉरी अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस करना है, ये तो माइनस करना है, 15 में से आपको 8 माइनस करना है। ठीक है भाई, 5 और 2 7, 5 और 2 7, सबसे लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 7। तो 7 किसमें है, केवल ऑप्शन बी में गिवन है, तो सही हो जाएगा, क्योंकि घटते क्रम में जा रहा है ना, इसमें से 58 घटाएगा तब आपका ये आता है, इसमें से 73 घटाएगा तो ये आएगा, इसमें से 88 यानी कि 440 में से 88 घटाएगा तो ये आएगा, ऐसे ही माइनस करते हुए सोल्व करता है। आपका आंसर क्या आ रहा है, 137, बिल्कुल सही है। 17वें का आंसर बी आया, बिल्कुल एकदम बढ़िया आंसर आया, बहुत अच्छे बच्चे। नहीं सर ड्रिंक ना लेती मैं, ठीक है परु समझ गया मैं। तनु गहलोत बी आंसर है, हर्ष करब, हंसिका वर्मा, कप्तान सिंह, परु, पंकज, मीनाक्षी डबास, प्रिया अलावत, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मंजीत डागर, भावना, अमित कुमार, कुसुम, भावना, मुस्कान, ज्योति राठी, बी आंसर। ज्योति राठी आपके थोड़े लेट आंसर आ रहे हैं आज, वरना पहले आंसर आते थे। भावना के भी लेट आंसर आ रहे हैं, बाकी जो पहले पे बने हो वो आज भी पहले पे ही हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। तनु गहलोत पहले भी फर्स्ट पे ही रहती थी, आज भी फर्स्ट पे हैं, बहुत अच्छे। हास्कर बहुत बढ़िया भाई, हंसिका वर्मा बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखिए क्या बोला जा रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर लेडीज सेड, अ मैन सेड, क्या क्या बोल दिया, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है भाई, एक आदमी एक महिला का परिचय करा रहा है कि वह मेरी, मेरी का मतलब आदमी, आदमी से स्टार्ट करना पड़ेगा यानी कि मैन से स्टार्ट करना पड़ेगा, वह मेरी इकलौती संतान, ठीक है भाई, इसी की संतान है वो, इसी की क्या है वो, इकलौती संतान, इकलौती संतान की माँ, इसकी माँ, माँ का मतलब क्या है, इसकी धर्म पत्नी है, इस तरीके से माँ के पिता, ठीक है भाई, इनके पिता, माँ के पिता की पत्नी है, माँ के पिता की पत्नी है, ठीक है भाई, कहाँ पे आकर के रुक रहा है, पत्नी पे आकर के रुक गया, यानी कि ये है वो महिला, ये है वो महिला। क्या बोला गया है कि तस्वीर वाली महिला उस आदमी क्या लगती है, तो भाई सीधा सा सिंपल सा तो क्वेश्चन था, इसमें भी क्या घुमाना फिराना था, ये आदमी है, ये इसकी घरवाली है, घरवाली के जो पिता होगा वो ससुर लगता है, और घरवाली की जो माँ होती है वो क्या लगती है, वो सास लगती है, कि सास में सास आई, ठीक है आंसर हो गया ए, समझे भाई बिल्कुल। तो चलिए अगला क्वेश्चन, और डायग्राम का आ गया अपना। गुरुजी राम राम, राम राम भाई, देसी कलाकार, कलाकार भाई राम राम, नमस्कार, बहुत बढ़िया। ज्योति राठी, नेट स्लो है, अच्छा नेट स्लो है ज्योति आपका, नहीं अपना नेट तो स्लो है नहीं, बाकी अपने नेट को टोक कभी भी लग सकते, कुछ भरोसा नहीं इसका, मैं भरोसा नहीं करता, थोड़ी सी इसकी बढ़ाई की ये भाई भयंकर काम हो जाता है। आपको ये बताना है यार क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब आ गया होगा नेटवर्क, आ गया भाई, आ गया आ गया, देखा मैंने बोला था ना नेटवर्क को कभी भी टोक लग सकती है, तो लग गई ना टोक, भरोसा करो सर नेट पे। भाई इस अपने नेट पे भरोसा ही नहीं कर सकते हम कभी भी, मेरा वाला नेट तो कुछ है ही खतरनाक, इसकी थोड़ी सी बढ़ाई कर दो, अब तो गिर जा भाई, तेरी कसर रह रही थी, अपने वाला नेट है ही ऐसा, इसकी थोड़ी सी बढ़ाई कर दो, बंदर तार ही ला जाता है। सब ध्यान से क्या वर्मा में, बिल्कुल अपने वाला नेट है ही ऐसा, थोड़ी सी बढ़ाई कर दो फिर बंदर आ जाते हैं नेट ही लाने के लिए। तो देखिए भाई 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 22वें क्वेश्चन को चेक करिए प्यारे बच्चों, और बताओ सर और सब मस्त मजे में। तो करिए प्यारे बच्चों 22वें क्वेश्चन पे आ गए हो गए आप, तो 22वें क्वेश्चन को एक बार ही चेक करके बताइए क्या होगा।
तो देखो 22वें पे क्या है वो देख लेते हैं। इसने बोला है कि मुझे ए से पी पे जाना है, ए से दरबार खुले हुए हैं पी तक, ठीक है देख लेते हैं। क्या मैं ए से एम जा सकता हूँ? जा सकता हूँ। क्या मैं ए से पी जा सकता हूँ? जा सकता हूँ। और मैं इस साइन से जा सकता हूँ? हाँ जी इसी साइन से जाना है, पहले वाला फॉलो करता है। उसके बाद में बोला गया है कि आपको जाना है पी से लेकर के एन तक, और साइन होना चाहिए केवल ये, ठीक है भाई। पी से मैं आई जा सकता हूँ? हाँ जी जा सकता हूँ। ये साइन बीच में है, ये साइन बीच में है, तो यही साइन आएगा, देख लेते हैं लास्ट तक जा रहा है कि नहीं। आई से ओ जा रहा है? जा रहा है। ओ से एन जा रहा है? जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? ये दोनों फॉलो करते हैं, आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर होगा ई। बिल्कुल एकदम लाजवाब आंसर आया। आंसर क्या होगा कि दोनों ही आपके निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब तो आंसर आया बिल्कुल सही। मुस्कान आपने गलती कर दी लास्ट में जाकर के। अरे ओनली सेकंड नहीं है, दोनों ही होंगे प्यारे बच्चे, दोनों ही सही है यहाँ पे। कि सर आंसर देख लेते हो बड़ा जल्दी, हमें काटने तो दिया करो, मैसेज काट के दोबारा दोबारा रिप्लाई कर देते क्या? आप भी थोड़ा सा तो समझा करो कि कुछ भी नहीं समझते हो कर रहे हैं। घर से कहाँ जा रहा है? पूर्व जा रहा है, ठीक है भाई जाइए पूर्व जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है यानी कि राइट साइड चलती है, अच्छा लड़की है क्या, चलती है, तथा फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है। अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा? तो अपने घर पहुंचने के लिए उसका घर कहाँ है? ये रहा घर। घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में जाना होगा? उसे उत्तर दिशा में जाना होगा। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? उत्तर होगा, यानी कि ये 23वां क्वेश्चन यहाँ पे आंसर बनेगा। बिल्कुल सही है, डी आंसर यहाँ पे होगा, डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया सही पकड़े हैं, बिल्कुल एकदम सही पकड़े हैं। 23वें का आंसर बिल्कुल डी है, एकदम सही आंसर है, एकदम लाजवाब आंसर है। भावना, मंजीत डागर, तनु गहलोत, हर्ष खरब, पंकज, मीनाक्षी, हंसिका वर्मा, परु, कप्तान, अमित, ज्योति, मुस्कान, सबका आंसर एकदम बढ़िया आया, बहुत अच्छे बच्चे, मजा आ गया। चलिए चेक करिए 24वें क्वेश्चन को। 24वां तो सर आसान है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो। एफ यहाँ लिखा है, एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, एस लास्ट में है, एस भी लास्ट में है, तो एल होना चाहिए, डी होना चाहिए, एल और डी होना चाहिए। तो भाई ए ऑप्शन बनेगा नहीं, ना ऑप्शन ये बनेगा। देख लो फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, यू, ये वाला जो यू है वो यहाँ रख देना है। ये जो ई है आपका ई, ये वाला जो एन है ये एन आना चाहिए अब यहाँ पे, पहले एल आएगा फिर एन आएगा, ठीक है भाई। तो एल के बाद क्या आएगा? एन आएगा, जी नहीं आना चाहिए। लेजेंड में क्या है आपका? ये डी आएगा। हो गया आंसर खत्म, कहानी डी आंसर, बहुत बढ़िया। 24वें का डी, 25वें का और चेक कर लो। सबसे लास्ट फाइनल एक क्वेश्चन अपना बच गया है, बता दीजिए प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर होगा। लास्ट फाइनल आखिरी क्वेश्चन अपना आ गया। अगर भावना, सुमन सुमन, पंकज बादशाह, परु, ये आपका नाम सही है बच्चे, ठीक है परु सही है। हंसिका वर्मा, ज्योति राठी, विकास कपूर, बहुत अच्छे भाई, मुस्कान चावलाई चावली, नाम सर बोला मत करो आप नहीं पता है, लो अमित कुमार, कप्तान सिंह, सबका आंसर एकदम मस्त था भाई, बढ़िया था। लास्ट फाइनल क्वेश्चन आ गया है, इसका बता दीजिए क्या आंसर आपका होगा, फिर देखेंगे स्कोर कार्ड। आज पहले नंबर पे कौन आया, ठीक है वो हम देखेंगे, आज कौन टॉप पे आया है। बस 120 बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 120 विद्यार्थी हैं। Where the number of the girls is twice than that of the boy, ठीक है भाई, तो 3 से आप इसे डिवाइड कर दो, दोनों का पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 कितना हुआ? 40। अगर लड़के 40 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां होंगी 80। इस चीज का आपको ध्यान रखना था। फिर बोला गया है एक लड़का शीर्ष से 40वें स्थान पर है, जैसे कि लड़का एक यहां से है, यहां से वो कितने नंबर पे प्यारे बच्चों? यहां से वो 40वें स्थान पर है। यदि 10 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं, अगर 10 लड़कियां यानी कि 10 लड़कियां जो हैं, 10 लड़कियां हो यहां पे, तो उसके बाद की रैंक में, बाद की रैंक में लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या क्या होगी? तो भाई ये 40वें नंबर पे तो ये खुद है, अगर मैं यहां तक इस लड़के तक बॉयज को टोटल करूं तो क्या करना पड़ेगा? 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30। तो ये लड़कों में 30वें नंबर पे तो ये खुद है,
ये जो है लड़कों में तो खुद 30वें नंबर पे है, टोटल लड़के हैं कितने 40 हैं, तो 10 इसके बाद होंगे, बस खत्म कहानी। आंसर आ गया है सी। कि सर सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल आंसर मत दिया, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन हमें दिया मत करो, फिर भी हमारा गलत हो जाता है। हंसिका वर्मा का आंसर गलत है, पंकज का, कुसुम का, हर्ष खरब का आंसर, ये बच्चे लास्ट वाला गलत है, सबका गलत है, सबका ही गलत है। कप्तान का, मुस्कान का, ज्योति राठी ने लास्ट में दिया। भावना का बी आंसर गलत है, मुस्कान चावला, बिल्कुल गलत है बच्चे, मुस्कान, सॉरी आपका नाम जो है सरनेम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। हर्ष खरब का आंसर बिल्कुल गलत है भाई, सबका गलत है। सुमन का आंसर सही है, एक्स, सुमन का आंसर एक्स सही है। मेरा नहीं है, ज्योति राठी नहीं है। हाँ जी आपका सही है, सी आंसर आपने दिया, परू मेरा लेट जाते हैं आंसर भाई, इनका नेटवर्क आज प्रॉब्लम में है, इस वजह से लेट जाते हैं। ज्योति ने बाद में दिया, हाँ ज्योति ने बाद में दिया, ठीक है आज भाई ज्योति के बाद में मानेंगे। सुमन का आंसर अब सी आ रहा है, सब काट काट के लिख रहे हैं। मैं समझ गया प्यारे बच्चों, आप सबकी भावनाओं को मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं भाई सुमन, मैं समझ गया आपकी बातें। एक्स आ रहा है, फिर सी आ रहा है, चलो कोई नहीं। अब बता दो स्कोर कितना है, अब बता दो आप स्कोर कितना है, केवल और केवल अब बातें चलेंगी स्कोर की। अब देखते हैं स्कोर कार्ड किसका बढ़िया रहा। 25 क्वेश्चन थे आपके, हंसिका के आंसर आए हैं 19, बहुत अच्छे बच्चे। कुल मिला के आपका जो पेपर सेट था अच्छा था, ना तो हम उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल आसान था, बच्चा भी अच्छा भी कर देगा, सोल्व नहीं होगा भाई। तनु गहलोत 23 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छे बच्चे। तनु के आंसर कितने आ रहे हैं, 23 आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजेदार। ज्योति राठी के आ रहे हैं, उनके आंसर भाई हालांकि लेट आ रहे थे, लेकिन देखो ईमानदारी से बताना है। मीनाक्षी डबास के आंसर कितने हैं, 23 हैं, एकदम एकदम जो है ईमानदारी से आपको बताना है, वरना सबकी चैटिंग तो बाद में पढ़ी जा सकती है, मैसेज जब आप डिलीट करते हो वापिस से नजर भी आ जाते हैं। पंकज बादशाह के आंसर कितना है, 21 है भाई, बहुत अच्छे पंकज भाई। हर्ष खरब है फिर वहां पे कितने नंबर पे हैं, हर्ष खरब भाई है उनके 23 नंबर हैं। परु सर मेरे 3 टिक थे और 100 नहीं किया मैंने, चलो बच्चे कोई नहीं, आपके 3 टिक थे तो 100 में से 100 है, बिल्कुल ईमानदारी से बताया है। मंजीत के 22 नंबर हैं, कप्तान के 22 नंबर हैं, बहुत अच्छे बच्चे, मंजीत भाई के 22 नंबर हैं, मंजीत के आंसर 22 है, कप्तान के आंसर जो है वो 22 है। सबका सेशन बहुत बढ़िया, मजा आ गया। उफ ये नेट की, हाय रे नेट रे। ठीक है प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं सेम ऐसे ही 7 बजे, कल फिर दोबारा 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने बोला तो था लेकिन कि आपका 23 नंबर जिसके रहेंगे वो सबसे लास्ट पे आएगा, लेकिन वही आज सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहे। बस बस हर्ष। कोई ना, बर्थडे विश तो हो ही गया। मजेदार क्लास थी आज की, बहुत अच्छे बच्चे, मजा आ गया भाई। सेशन को जरूर के मारे स्कोर नहीं बताया अपना, ये गलत बात है।